guys, welcome back to my YouTube video and I hope you guys are doing extremely good. My name is Neha Singh and welcome back to the another travel vlog of Agra. जी हाँ, मैं आई हूँ आगरा में for one day tour. और ये जो पूरा tour है ये मैंने एक bus के through किया है जो कि Delhi से है. Delhi से basically bus चलती है 6 बजे और रात को 11:30 या 12 बजे उतार देती है Delhi में ही. तो बस का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. सो गाइस, आगरा मथुरा वृंदावन वन डे बस टूर बस की टिकट 3 टाइप्स की होती है. एक 699, एक 900 एंड एक 1050 रुपीज, डिपेंड ऑन योर चॉइस. एक गाइड भी साथ ही रहता है एंड ये है बस का व्यू. बस का होल डे स्केड्यूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ ऐसा है. सो मेरा पिकअप कश्मीरी गेट के पास से हुआ. बस चली तो टाइम पे थी बट दिल्ली क्रॉस करते करते काफी टाइम लग गया क्योंकि हर टूरिस्ट का अलग अलग पिकअप पॉइंट था. दिस इज द यमुना एक्सप्रेस हाईवे. बस ने यमुना एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस करके फर्स्ट स्टॉप लिया ब्रेकफास्ट के लिए सुखदेव ढाबा पे. Then we moved to our next port, that was Agra Fort. खाने का कोई सामान अपने साथ लेके ना जाना. मॉन्यूमेंट के नजदीक में यानी किले से आने के टाइम जाने के टाइम कुछ लोगों के हाथ में ताजमहल का मॉडल होगा जो आपको सेल करेंगे. उनसे सावधान रहना क्योंकि कोई भी सामान वो जो सेल कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है. प्लास्टिक से बनाकर वो लोग आपको चीट करते हैं और फोर्स करते हैं. मैं उन लोगों के आगे आपको नहीं रोक सकता बट अभी आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहना. ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया था बट दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब जगह के हिसाब से उतना वर्थ इट नहीं था. सो राइट नाउ वी आर एट आगरा रेड फोर्ट, जिसको आगरा फोर्ट बोला जाता है. एंड यहाँ की जो टाइमिंग्स है वो सनराइज से लेके सनसेट तक रहती है एंड टिकट 35 रुपीज है. बाकी पूरा लाल ईट से ये पूरा जो है फोर्ट बना हुआ है. इंटरव्यू में मैं आपको पूरा समझा देती हूँ. आगरा फोर्ट एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिस इज द ताजमहल. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर सीइंग और नॉट बट दिस इज द ताजमहल. सो गाइस, रेड फोर्ट की विजिट तो हो गई है. तकरीबन 1 घंटा लगा पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एंड काफी बड़ा फोर्ट है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट. अभी बस वाले हमें लेके आए हैं फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए. इस जगह पे बेबी ताज कह के बोल रहे थे कि बेबी ताज दिखाने आए हैं बट मेन इनका मोटिव है यहाँ पे शॉपिंग करवाना कस्टमर से. तो मैं नहीं कहती ये बिल्कुल सही है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है. आफ्टर वेस्टिंग 1 आवर एट दिस प्लेस, बस ने रोका ब्रिजवासी आगरा शॉप पे जहाँ पर मिलता है आगरा का पेठा. एंड आफ्टर दैट लंच के लिए गए शिवा ढाबा पर जो कि आगरा में ही है. सो गाइस, आफ्टर द लंच अभी हम पहुंच गए हैं दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल में. ओह माय गॉड, ड्रीम कम ट्रू. मतलब इतने साल हो गए, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग ताजमहल. बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ पिक्चर्स एंड ऑल क्लिक करवाने के लिए, देखने के लिए. वेरी एक्साइटेड. ताजमहल गेट से महल तक पहुंचने के लिए कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता है जो कि आप 20 रुपए देकर इस रिक्शा से जा सकते हो. एंट्री पॉइंट पे आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है. आपके पास आईडी कार्ड का होना कंपलसरी है एंड जो चीजें आप नहीं ले जा सकते वो स्क्रीन पे हैं. फाइनली सीइंग दी ताजमहल फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम सो एक्सट्रीमली हैप्पी. Happy, happy girl in Taj Mahal. The world's most happiest girl.
यहाँ प्रोफेशनल पिक्स क्लिक करवाने के 250 रुपए लगते हैं, जो आपको 5 पिक्स की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों देते हैं, एंड नो बार्गेनिंग अलाउड हियर। सो गाइज, अभी मैंने एंट्री ली है ताजमहल के अंदर की, जहाँ पे शाहजहां मुमताज की कब्रें हैं। अंदर शूट करना अलाउड नहीं, इसी को देखने के लिए आपको 200 रुपए की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ती है, एंड शूज कवर एक्स्ट्रा से, जो कि कुछ 10 रुपए में मिल जाते हैं। एंड दिस इज द यमुना रिवर, सनसेट का टाइम है, एंड द व्यूज एंड द महल टोटली वर्थ इट टू विजिट। सो तकरीबन पूरा ताजमहल एक्सप्लोर करने के बाद हम इवनिंग 6:30 आगे बढ़े मथुरा की ओर। मथुरा में टूर वालों ने एक ही टेंपल विजिट करवाना था, दी कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर आप लोगों को 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट में दर्शन करके गाड़ी पे आना। मंदिर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाने देते, क्योंकि हम मंदिर और मस्जिद दोनों बाजू में बनाए, उसी के कारण यहाँ बहुत पुलिस प्रशासन फोर्स लगा हुआ है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, लाइटर, कोई भी नशीला पदार्थ मंदिर के अंदर में लेके नहीं जाने देती। सभी को एक साथ जाना है और एक साथ गाड़ी पे आना है। शूज स्लीपर सभी लोग पहन के जाना। मंदिर के अंदर में सारी व्यवस्थाएं हैं। मंदिर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, दर्शन करके आएंगे। Hey guys, so right now, हम पहुंच चुके हैं मथुरा में, एंड इट्स अबाउट 9:00 इन द नाइट। एंड हाँ, कैसे पहुंचे हैं इसके भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बाद में घर पे जाके आपको बताऊंगी। एंड मथुरा में हमने सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि पे ही जाना है टेंपल में, उसके बाद फिर यहाँ से वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। और अभी बस हम मंदिर की ओर ही जा रहे हैं, और कृष्ण जन्मभूमि पे तो आप सबको पता ही है कि कृष्ण जी का बर्थ प्लेस है, बस वहीं देख लें, हम वहाँ पे जा रहे हैं। मथुरा के जन्मभूमि के दर्शन करके आ गए हैं, और मंदिर के अंदर फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी ले जाने की परमिशन नहीं होती। सो मोबाइल वगैरह सब लॉकर में रख दिया था, इसलिए कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाया, और दर्शन अच्छे हो गए। मंदिर वॉज अबाउट टू क्लोज, अभी बस हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन 6000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का समय था। भगवान के समय में वृंदावन पूरा एक जंगल था तुलसी का। तुलसी जी को संस्कृत में वृंदा बोलते, जंगल को वन बोलते, गांव का नाम पड़ा वृंदावन, उसी के नाम से आप लोग वृंदावन वृंदावन बोलकर आए। भगवान कृष्ण का समय का जो जंगल है, उसमें से आज भी थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है, जिसका नाम है, किताबों में लिखा है, निधि वन। गाइज, हम वृंदावन तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंचे, एंड सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इवन नो लाइट्स वर इन दी स्ट्रीट, सो हमारा कोई भी टेम्पल विजिट नहीं हो पाया, एक्सक्लूडिंग नंद पैलेस टेम्पल, जहाँ गाइड हमें सिर्फ पैसा खर्चवाने के लिए लेके गए थे। 11:30 बजे हम वृंदावन से दिल्ली को वापस चले, एंड रास्ते पे डिनर के लिए इस जगह पे रुके, जहाँ फूड बिल्कुल टेस्टलेस था एंड एक्सपेंसिव भी। सो गाइज, अगर मैं बस के रिव्यू की बात करूँ वन डे ट्रिप की, तो मेरा रिव्यू आउट ऑफ 10 मैं बस को 7 दूंगी। तो एंड अगर आप भी इस बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हो, वन डे आगरा मथुरा वृंदावन टूर करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ध्यान रख लोगे तो ट्रिप आपको अच्छा ही लगेगा, अगर नहीं रखोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको ये जो बस का टूर है वो बेकार लगेगा। सो जो चीज़ें हैं, वो पहली तो ये है कि आपको जो बस की टिकट है, आपने देखा होगा कि 3 पोर्शंस में डिवाइड है। एक तो है कुछ 699 की, एक है 900 की, और तीसरी है 1000 समथिंग की। तो आप ओनली 699 वाली टिकट ही बुक करवाना, क्योंकि बस जो है तीनों टिकट परचेज करने वालों को एक सी मिलती है, एक सी कंडीशन होती है। सो आप 699 की करवाना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है 900 वाली या 1000 वाली बुकिंग करवाने की। एंड सेकेंडली, जो बस में जो लेग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड बस की जो टाइमिंग्स हैं वो पिकअप पॉइंट के टाइम पे तो ठीक ही रहती हैं, बट जो उन्होंने स्केड्यूल दिया हुआ था, इतने बजे हम यहाँ पे पहुँचेंगे, इतने टाइम के लिए हम यहाँ रुकेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली होता है। बट हाँ, हमें अच्छा टाइम मिल जाता है हर चीज़ को, जगह को एक्सप्लोर करने के लिए।
तो बस जो वापसी पे रिटर्न आती है वो 11:30 बजे डेली बिल्कुल भी नहीं आती, 3 बज जाते हैं रात के या फिर 3:30 भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पहले से अपने माइंड में रख के चलना। एंड बस के जो पिकअप पॉइंट्स हैं उनमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पिकअप पॉइंट्स में उन्होंने जो ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे पॉइंट्स दिए होते हैं बिल्कुल उसके आसपास तो हमें नहीं मिलती, थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना उस चीज़ को। बस की अगर स्टाफ की मैं बात करूं तो स्टाफ में जो गाइड थे, मथुरा वृंदावन का गाइड अलग से था और आगरा का गाइड अलग से था, तो गाइड के तो बिहेवियर्स ठीक ठाक थे, बट जो बस ड्राइवर था और उसके जो कोऑर्डिनेटर थे उनका बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा था। मतलब उनको बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है कैसे किसी से बात करनी है, अगर कोई टूरिस्ट प्रॉब्लम में है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, तो थोड़ा सा बिहेवियर में मुझे दिक्कत आई उनके। जो बस खाने पीने के लिए जगह पे रोकती है लंच और डिनर के लिए, वहाँ पे भी फूड कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, बढ़िया खाने लायक होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर लगता है जगह के हिसाब से, बट ठीक है आप टूर पे निकले हो तो इतना तो चलता ही है। एंड एक स्कैम होता है जो कि वृंदावन में होता है। बेसिकली वृंदावन में ये हमें जो मेन टेम्पल है वहाँ पे तो लेके ही नहीं जाते, बिकॉज़ जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत ही अंधेरा हो गया होता है और टेम्पल भी बंद हो गए होते हैं। तो हमें कैमें कोई मंदिर में ले जाते हैं जो कि ज़्यादा फेमस भी नहीं होता, तो वहाँ पर हमें कह देते हैं कि इतनी दक्षिणा दो अपने पेरेंट्स के नाम पर, गुरु के नाम पर 1900 रुपया दो, 2900 रुपया दो, 9000 रुपीज़ दो, आप भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये टोटली एक स्कैम होता है, आपने वहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करनी है, सीधा मना कर दो बस। बस वाले एक दो जगह आगरा में आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने कमीशन वगैरह का उनका प्रोसेस होता है, लाइक पेठा वाली शॉप पे और एक बेबी ताज के बहाने में ले जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आप पेशेंस वाले हो तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। बस यही कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसके अलावा आपका माइंड सेट फिर हो ही जाएगा तो आपका ट्रिप अच्छा जाएगा। एंड इसी के साथ मैं ये व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद सम अदर न्यू डेस्टिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब खैर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।